हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विथ रोहित 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को फुल देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या लिखा गया है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। साधारण ब्याज के बारे में कुछ और जान लेते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो समान ही होता है। अगर पहले वर्ष में 200 रुपया ब्याज हो रहा है तो बाद वाले वर्ष में भी क्या होगा? 200 रुपया ही होगा। और तीसरे वर्ष में भी क्या होगा? 200 रुपया होगा। तो इसका कुछ फॉर्मूला है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। यदि मूलधन निकालना हो तो क्या आता है? ब्याज गुना 100, दर गुना समय। अगर दर बराबर पूछे तो दर को क्या करते हैं? ऊपर लाते हैं, मूलधन को नीचे ला दिए। तो ब्याज गुना 100, मूलधन गुना समय। यदि समय पूछ रहा है तो समय को क्या किए? ऊपर लाए तो मूलधन नीचे आएगा, तो मूलधन गुना दर। यहाँ पे क्या हो, सॉरी, यहाँ पे मूलधन गुना दर होगा। क्या होगा? मूलधन गुना दर, ब्याज गुना 100, मूलधन गुना दर। ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से बेसिक ये क्या है? ये बेसिक फॉर्मूला है। क्या है? बेसिक फॉर्मूला है। इसके संबंधित क्या करें? इस फॉर्मूला के यूज से हम एक दो क्वेश्चंस क्या करते हैं? करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में है कि 5000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज निकालें। 5000 रुपया वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना। तो सबसे पहले मूलधन क्या है? मूलधन, मूलधन को हम क्या प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल। ये कितना दिया गया है? 5000 रुपया दिया गया। और दर जो है क्या दिया गया? दर 10%। दर को अगर हम इंग्लिश में देखें इसको हम रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट। ये कितना दिया गया है? 10%। उसके बाद क्या दिया गया? समय। समय, समय को अगर इंग्लिश में देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। और कितना दिया गया? ये 2 ईयर्स। अब क्या करने वाले हैं? फॉर्मूला यूज करने वाले। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला बता चुके। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये होता है। तो सिंपली हम देखेंगे मूलधन कितना है? 5000 रुपया, तो 5000 लिखेंगे। और समय कितना है? 2 वर्ष, तो 2 लिखेंगे। दर कितना है? 10%, तो क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? 100। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा? 50 × 2 × 10, यानी कितना? 100 × 10 कितना? 1000 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपया। क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है 400 रुपया मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपया हो जाती है। तो 100 रुपया होगी। कहने का मतलब क्या पूछा है? साधारण ब्याज की राशि 100 रुपया हो जाती है। बोला मूलधन पर कितने वर्षों में, क्या पूछ रहा है? कितने वर्षों में, यानी समय क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसमें दिया क्या गया है? मूलधन इज इक्वल टू दे दिया गया है। मूलधन बराबर दिया है 400 रुपया और दर बराबर दिया है 5%। उसके बाद जो है राशि जो है ब्याज की राशि, यानी ब्याज दिया गया है। ब्याज कितना दिया गया है? 100 रुपया। तो हमको निकालना क्या है? निकालना है समय। तो समय बराबर हम फॉर्मूला लिखेंगे। समय बराबर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। तो क्या होगा? ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना दर। ये होता है। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ब्याज कितना है? 100 रुपया और दर कितना है? 100 × 100 लिखेंगे। और नीचे मूलधन कितना है? 400 और दर कितना है? 5%। 5% लिखेंगे। दोस्तों 0 से 0, 00 से कैंसिल हो गया। इसको काटेंगे 4 से, ये क्या हो जाएगा? 25। इसको 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा? 5। यानी क्या हो गया?
फाइव ईयर्स क्या हो गया आंसर हो गया, यानी समय जो निकलेगा, समय जो होगा क्या होगा, फाइव ईयर्स होगा। उसके बाद क्या होगा, राशि कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा स्वयं की राशि। इसको हम दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, अगर दूसरे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, 400 रुपया और 10% है, तो हम एक चीज़ बताएंगे, प्रत्येक साल क्या होता है, ब्याज सेम होता है, तो 400 का हम कितना लिखेंगे, 5%, 5% कितना हो जाएगा, 5/100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 20। क्या कहने का मतलब क्या हुआ, एक वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा, 20 होगा, तो बोला ब्याज कितना हो रहा है यहाँ पे, 100 हो रहा है, यानी कि 20 का कितना गुना, 100, 5 गुना 100 है, इसका मतलब 5 वर्ष जो आ गया, ये 5 जो हो गया क्या हो गया, 5 वर्ष में क्या होगा, 100 रुपया क्या होगा, ब्याज होगा। कहने का मतलब क्या है, 20 रुपया एक वर्ष का ब्याज होता है, तो 100 रुपया कितने वर्ष का ब्याज होगा, 5 वर्ष का ब्याज। सिंपली हम क्या करेंगे, निकाल लें। तो चलिए देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, बोला वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाता है। इसमें पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट से बताएंगे, उसके बाद ट्रिक्स भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें बोला राशि यानी मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन इज इक्वल टू कुछ नहीं दिया गया, व्हाट, मूलधन ज्ञात करना, और दर दिया गया कितना, 20% दर दिया गया, जबकि जो है समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष, समय कितना दिया गया है, 3 ईयर्स, और जो ब्याज दिया गया है, ब्याज कितना दिया गया है, 1200। तो निकालना क्या है, मूलधन, तो मूलधन बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज गुना क्या होता है, 100, और समय गुना दर, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ब्याज 1200 है, 1200 गुना 100 लिखेंगे, और 20 गुना क्या लिखेंगे, 3, 0 से 0 इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से काटेंगे क्या देगा, 5 आ जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो 400 हो जाएगा, यानी 2000 क्या हो जाएगा, 4 5 2 20, यानी 2000 रुपया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मूलधन।